ये बताइए कि इस हल्के से जो अभी ज़मीनी इंतखाबात हुए थे उसमें आपने किसको वोट किया था? शेर को। तो पनामा केस का जो डिसीजन आया था आला अदलिया का, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? भाई उससे साबित हुआ ये लोग चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, बल्कि इन्होंने तो 14 लोगों का कत्ल किया माल्टाउन में। अच्छा, यानी आप इनको चोर डाकू लुटेरा ही नहीं बल्कि कत्ल भी समझते हैं? जी जी। फिर भी आपने इनको वोट किया? बिल्कुल। लेकिन क्यों? देखें, अगर ये कुछ खाते हैं तो लगाते भी तो है ना। ये सुनना था कि आसमान हमारे सरों पर गिर पड़ा, जमीन हमारे पैरों तले खिसकने लगी, फंड से महरूम एनए 120 के दरों दीवार लरजने लगे, सीवरेज का ठाठे मारता हुआ समंदर भी बेकरार हो गया। एक मिनट के लिए हमारा दिल किया कि हल्के के किसी घर की टूटी से बहता हुआ कंटेमिनेटेड पानी पीकर इस जहाने फानी से कूच कर जाएं, लेकिन फिर मुल्क के वसीतर मफाद में हमने ये फैसला किया कि अब इस केस की तह तक जाना निहायत जरूरी है, लिहाजा हमने राब्ता किया एक माहिर सियासी नफ्सियात से। डॉक्टर साहब, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। एक वोटर है जो एक पार्टी को करप्ट समझता है लेकिन फिर भी उसको वोट देता है। देखें, पाकिस्तानी वोटर की जो सियासी नफ्सियात है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने यूरोप के 10-15 मुल्कों में काम किया है, कोई हेल्थ के लिए वोट देता है, कोई तालीम के लिए वोट देता है। इस कौम की मुझे समझ नहीं आई ये किसके लिए वोट देती है। बाकी साइंस ने इतनी कोई तरक्की की नहीं कि इंसान की खोपड़ी खोल के उसके भेजे का जायजा लिया जा सके कि वो कैसे सोचता है। डॉक्टर साहब की बात सुनते ही हमारे दिमाग की बत्ती रोशन हो गई और हमें ये यकीन हो चला कि अब इस मसले का कोई और हल नहीं सिवाय इसके कि हल्के के किसी वोटर की खोपड़ी खोलकर उसके भेजे का जायजा ले लिया जाए। सरयाम की टीम इस बात से भी बखूबी वाकिफ थी कि कोई भी जी शऊर इंसान इस चीज के लिए हरगिज तैयार नहीं होगा, लेकिन फिर हमने सोचा कि शऊर की आत्मा तो वैसे ही इस हल्के से उठ चुकी है, लिहाजा कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। लालच के तौर पर सरयाम की टीम ने हल्के के एक वोटर को आला तालीम की ऑफर की जिसे उसने ठुकरा दिया, उसे स्किल्स इन्हेंसमेंट की पेशकश की गई जिसे वो खातिर में नहीं लाया, लेकिन बिलाखिर नुमान खान दी लेजेंड के साथ एक सेल्फी के वादे पर वो इतना जल्दी मान गया जितना जल्दी मरहूम पार्टी MQM के लीडर अल्ताफ हुसैन इस्तीफा देकर वापिस ले लिया करते थे। सरयाम की टीम ने ऑपरेशन शुरू किया तो आगाज से ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि खोपड़ी बहुत सख्त और साइज में छोटी थी, लेकिन बिलाखिर हथौड़े के पैदर पै वारों के बाद जब खोपड़ी खुली तो हम ये देखकर हैरान रह गए कि मकान तो मौजूद था लेकिन मकीन मौजूद नहीं था। हेलो, 1+1, 2-1। मुतअद्दिद बार भेजे को आवाज देने के बावजूद जब अंदर से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ तो मजबूरन सरयाम की टीम ने अंदर हाथ डालने का फैसला किया, लेकिन फिर जो चीज बाहर आई उसे देखकर हमारी आंखें दंग रह गईं। कीमे वाला नान। जी हाँ, यही थी वो चीज जिसको ये वोटर भेजे के तौर पर इस्तेमाल करके इलेक्शन से पहले अपने वोट का फैसला किया करता था। सरयाम की टीम ने फिलफौर उस नान को अपनी लैब में टेस्ट किया, लेकिन फिर जो नतीजा आया वो भी हमारे लिए कयामत सुग्रा से कम नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक नान में इस्तेमाल होने वाला कीमा कोई आम कीमा नहीं बल्कि खोते का कीमा था। जी हाँ, यही थे वो जराए जिनको इस्तेमाल करके इलेक्शन से पहले भोली भाली अवाम के वोट और जमीर दोनों खरीद लिए जाते थे। सरयाम की टीम ने फौरन उस नान को तल्फ किया और इस उम्मीद पर कि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया होगा उस वोटर की खोपड़ी बंद करके उससे एक आखिरी इंटरव्यू किया। ये बताइए कि अभी जो आपके हल्के में जमीनी इंतखाबात हुए उसमें आपने किसको वोट किया? जी, शेर को। अच्छा, तो पनामा केस का जो फैसला आया था आला अदलिया का, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? जी, पनामा केस से साबित हुआ है ये लोग चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, और तो और इन्होंने मॉडल टाउन में 14 लोगों का कत्ल किया। पता नहीं क्यों मैं खोतों की तरह सोच रहा था। सर, गलती हो गई, आइंदा नहीं होगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आइंदा ये गलती नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो आइंदा फिर आप किसको वोट देंगे? भुट्टो को। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से सरयाम की टीम ये नतीजा अखज़ करती है कि खोपड़ी में कीमे वाले नान का ना होना काफी नहीं, खोपड़ी में भेजा होना भी जरूरी है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।